इन्हों की वरतों रेफ्रिजरेंट लई वरत्या जाता है, यह अमोनिया विच यूज किया जाता है चिलर प्लांट विच पानी नूं ठंडा करने वास्ते, बेयर टाइप। इन्हां विच फिन्स की जरूरत नहीं होंदी, सिंपली इन्हां नूं ट्यूबां नूं हैंग किया होया है। इन्हां दी गिनती 50 तों लैके अगे भी हो सकती है, वध भी हो सकती है। यह ट्यूबां स्टील ते कोपर दीआं होंदीआं हन, रेफ्रिजरेंट विच वरत्या जाता है। इन्हां विच फिन्स ते प्लेट की वरतों नहीं की जाती। नैक्सट प्लेट सरफस। प्लेट सरफस हुंदा है सिंपल प्लेट दे उत्ते ट्यूब नूं वेल्डिंग किया जाता है, ते कई बार इन्हां नूं कई बार एक पासे भी किया जाता है ते कई बार दो पासे भी किया जाता है, ताकि ताकि उहदा कंटैक्ट एरिया वधाया जाए। ट्यूब का कंटैक्ट एरिया, ट्यूब रेफ्रिजरेंट विच ट्यूब, ट्यूब विच रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है ते प्लेट उहदे नाल ठंडी हुंदी है, ते गर्म जड़ी उत्थों दी जिस जगह नूं ठंडा करना है उस उत्थों दी उष्मा इन्हां दे संपर्क विच आके आए हुए रेफ्रिजरेंट नूं वाष्प विच बदल दिंदी है ते उत्थे ठंडक पैदा कीती जांदी है। प्लेट टाइप सरफस प्लेट एवेपोरेटर, इन्हां दी वरतों रेफ्रिजरेटर, घरेलू रेफ्रिजरेटर विच कीती जांदी है, डिस्प्ले केस विच कीती जांदी है। प्लेट टाइप इन्हां नूं सिंपली एक्सपेंशन वाल कैपलरी ट्यूब दे नाल यूज किया जाता है, जिदे नाल इहदे विच फ्लो मेंटेन किया जाता है। नैक्सट फिंड एवेपोरेटर। फिंड एवेपोरेटर यह नंगियां ट्यूबा दे बनिया होंदा है, तो सरफस एरिया वधाने वास्ते इहदे उत्ते फिन्स कीती जाती है। ट्यूबा का एरिया 4 to 6 cm तक गैप रखा जाता है ता जो अच्छी परफॉर्मेंस करे, चंगी तरह जोड़िया जाता है। फिन्स ट्यूबा नाल सोल्डरिंग नाल जोड़िया जाता है इन्हों, ता जो एक जगह से सैट हो जाए। यह एयर कूल्ड कंडेंसर नाल मिलदिया जुलदिया हैं, कंडेंसर की तरह ही देखने मिलता है। इन्हों की वरतों एयर कंडीशनिंग की जाती है, एयर कंडीशनिंग की जाती है फोर्सड ड्राफ्ट के नाल, ब्लोअर के नाल। ए ब्लोअर इतों हवा को सक करता है, तो रूम हवा को ठंडा करके उतों की हीट को अबजोर्ब अपने करता है। ये एक तो रेफ्रिजरेंट इन ते एक तो आउट हों, इन तो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, आउट तो इतों बहर हो जाता है। उतों की उष्मा लैके सक्शन लाइन के थ्रू दोबारा कंप्रैसर चला जाता है। फिंड एवेपोरेटर नेक्स्ट आता साडे कोल फ्लड टाइप एवेपोरेटर। फ्लड टाइप मतलब भी फ्लड ना भरिया हुंदा हैगा। लार्ज कपैसिटी कमर्शियल विच इन्हां नूं यूज किया जाता है, जिथे बहुत कपैसिटी हुंदी है, जैसे 150 ton तो उत्ते वाली कपैसिटी विच इन्हां दी वरतों की जाती है, जस्ट लाइक सेंटर प्लांट, कोल्ड स्टोर, वेरियस टाइप विच, पर ज्यादा मात्रा विच जिथे जरूरत होवे। इन्हां दे देखो चित्र दे उत्ते तुसीं देखो ड्राइंग दे इनलेट, इहदा रिसीवर तो इनलेट इन्हां विच गैस आंदी है, फ्लोट वाल्व दे जरिए इसका तरल का लैवल मेनटेन किया जाता है, तो ट्यूबा विच रेफ्रिजरेंट भरिया हुंदा है पूरा ही। रेफ्रिजरेंट उत्थों दी सराउंडिंग एरिए दी हीट नूं अपने विच अबजॉर्ब करता है, तो वाष्प बन के सक्शन लाइन के थ्रू दोबारा कंप्रेसर च चला जाता है, लिक्विड तो वेपर्स दी बन के। तो वेफल्स की जी लगी हुई है, पर वेफल्स इहदा काम यह होंदा है कि जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स नहीं बनिया जांदा उन्हों दोबारा इस सर्च टैंक दे विच इकट्ठा कर लैंदा है, ता जो कंप्रेसर दे विच लिक्विड ना जा सके। लिक्विड जाण नाल साडे कंप्रेसर नूं नुकसान हुंदा है, क्योंकि उसने वेपर नूं सक करना है, सुपरहीटिंग वेपर नूं, लिक्विड नूं नहीं। लिक्विड जाण नाल कंप्रेसर दे विच खराबी पै सकती है, डिस्चार्ज वाले च खराबी आ सकती है, उहदे सक्शन वाले च आ सकती है, कम्यूलेटर दे जरिए वह दोबारा सर्च टैंक दे विच इकट्ठा हो जाता है प्लस चैंबर दे विच। फ्लड टाइप फ्लोट वाल्व इहदा लैवल नूं मेनटेन रखता है। ये भी स्टील का बनया हुंदा है,
क्योंकि इतने अमोनिया यूज किया जाता है, तो अमोनिया जिथे यूज किया इतने स्टील की वरतों की जाती है ट्यूब की, तो ट्यूब में रेफ्रिजरेंट पूरा भरिया होता है। नैक्सट शैल एंड ट्यूब टाइप चिलर। शैल एंड ट्यूब टाइप चिलर जी भी लार्ज कपैसिटी चिलर प्लांट में वरतों की जाती है। चिलर प्लांट के इन्हों की भी जी वरतों साड़ी है अपने हाई कपैसिटी के जोड़े प्लांट ने उत्थे की जाती है। ये फंक्शन की हैगा है चित्र देखो, स्टील का शैल बनया हों है तो स्टील ट्यूब फिट की होंगी है, शैल दे विच रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है लिक्विड इनलेट थ्रू कंप्रैसर। फ्लोट वाल्व के जरिए शैल दे विच रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो उदो तरल दे लेवल नू बनाई रखता है, तो ट्यूब दे विच पानी जां ब्राइन जिस चीज नू ठंडा करना है वह वहिंदा है। इस विच भी अमोनिया यूज किया जाता है, जिस एरिया नू इस पानी ठंडा होके अपने प्लांट दे विच चला जाता है जिथे ठंडक पैदा करनी है। शैल एंड ट्यूब टाइप लिक्विड चिलर टोटली स्टील दा इंसुलेटेड किया होंदा एयर टाइट, इस नू बोलदे आ फ्लड टाइप शैल एंड ट्यूब टाइप चिलर। नेक्स्ट ड्राई एक्सपेंशन टाइप शैल एंड ट्यूब टाइप चिलर। यह भी एक सैल की तरह बनया होंदा है, सिलेंडर की तरह बनया होंदा है। ये की होंदा है, ये शैल एंड ट्यूब टाइप चिलर तो उल्ट काम किया जाता है क्योंकि वह फ्लडड विच है, यह ड्राई टाइप विच है। इस फर्क की होंदा है, ये जिहड़ियां ट्यूबा शैल दे विच लगियां होईयां है ट्यूबा दे विच रेफ्रिजरेंट रहिंदा है ते शैल दे विच पानी वहिंदा है और डायरैक्ट हीट लैंदा है। डायरैक्ट हीट लैके उत्थों दी लेटेंट अपनी उष्मा नूं डायरैक्ट ग्रहण करदा है अपने विच ते उत्थे ठंडक पैदा करदा है रेफ्रिजरेंट, ते दुबारा कंप्रैसर च चला जांदा है ते पानी नूं ठंडा कर दिंदा है, ते पानी जिहड़ा अगे सप्लाई किया जाता है प्लांट दे विच जिथे उन्हें ठंडक पैदा करनी है। दोनों विच इही डिफरेंस हुंदा है। शैल विच जिहड़ा डिफरेंस है लिक्विड जो शैल च होंदा तो ट्यूबा च पानी, तो ड्राई विच शैल वाला जिहड़ा उहदे विच की होंदा ट्यूबा विच रेफ्रिजरेंट होंदा तो शैल दे विच पानी जां ब्राइन जो भी कूलेंट ठंडा करना होंदा हैगा। यह भी आपां वड्डी लार्ज कैपैसिटी वाले प्लांटा विच यूज किया जाता है। इन्हां विच भी अमोनिया यूज किया जाता है, स्टील दीआं ट्यूबां इन्हां विच वरतों की जाती है। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की सहायता नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਟਿਊਬ ਲਿਕਵਿਡ ਚਿਲਰ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਡਰਾਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਸ਼ੈਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਚਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਸਟੈਟਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ हेलो 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 सर आवाज नहीं आ रही। हेलो
हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। सर, आवाज बंद हो गई बिल्कुल पीछे आनी। हेलो, कौन आधी है। अच्छा सर आ गई सर, आवाज चली गई इसी बीचों बिल्कुल ही। हेलो, हाँ अच्छा कोई जी हाँ जी मैं कंटिन्यू रखो, एक बार दोबारा बंद करके चलाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हेलो जी पवन सर। चलो हाँ जी हाँ जी सर, यस सर सर, पीछे वाला शाल वाला दोबारा कर दियो, मैं दोबारा बैक, कोई नहीं। हाँ जी एक बैक कर दियो और मैं दोबारा करियो, आवाज भी चली गई सी। हाँ ठीक है सर, हाँ आवाज नेक्स्ट नेक्स्ट सर। नहीं ये वाला है शेरलैंड कॉइल। नहीं सर, एक और करियो पीछे, और दोबारा दिखा देंगे, एक बारी कर देते हैं, पीछे आवाज चली गई सी ना शाल वाले तो। हाँ ये तो कर दो सर, एक तो शेल ठीक वाला, है। हाँ जी हाँ जी, आवाज विचू जकदम ही चलेगी सी। ठीक है नेक्स्ट अपना ड्राई एक्सपेंशन टाइप शेल एंड ट्यूब टाइप चिलर, ये भी एक सिलेंडर की तरह हुंदा बनया, ये विच ये भी स्टील का बनया हुंदा, ते ट्यूबा ये विच बनिया हुंदी है स्टील दिया। ठीक है, इना विच की हैगा या जेडिया ट्यूबा उना विच रेफ्रिजरेंट बनदा है, ते शेल दे विच पानी बनदा हैगा, क्यों? क्योंकि इहदा नाम है डायरेक्ट एक्सपेंशन, इन्हां ने डायरेक्ट लेटेंट हीट लैनी है, जो भी एरिया जा पानी है जा जो भी है उधर तो डायरेक्ट ऊष्मा की ग्रहण करनी है, कंटेनर पे ठंडक पैदा करता है, इन्हें तो सिस्टम होंगे कंप्रेसर लिक्विड। ठीक है, एक्सपेंशन वाला थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाला लिक्विड लाइन च लगा होंगे, तो उधर कंट्रोल नो फ्लो करके छिड़काव करता है, एक्सपेंड करता है, तो इतों फिर कूलिंग की जाती है, तो संबंध वाष्पीकरण होता है जिसना वर्क करता है, पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट सर हाँ शेल एंड कॉइल टाइप, नेक्स्ट शेल एंड कॉइल ये भी एक किस्म का एवेपरेटर होता है, बैरल होल होता है, ये स्टील का बनया होता है, ते स्टील दे आले दुआले वी टाइप च कॉइल दे नाल फिट किया होता है, स्टील दे नाल स्टील दे टैंक दे नाल बाहरली साइड ते कॉइल दे चारे पासे घुमाया होता है, जिस नाल की है पानी ठंडा किया जाता है, इस नू पानी ठंडा करने दे लई काम किया जाता है। क्या होता है कॉइल दे विच रेफ्रिजरेंट एंटर होता है, रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन जेट होता है, तो कॉइल दे विच उतों दी हीट नू अपने च अब्जॉर्ब करता होया आउट दी तरह सक्शन लाइन तो बाहर चला जाता है, तो उतों दी हीट अपने च लैके निकल जाता है, तो वाटर कूलर दा पानी ठंडा हो जाता है। ये क्रिया उट कूलर
ਬੈਂਡ ਨੋਟ ਕੁੰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਛਿੜਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਟੈਂਕ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਮਿਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਚ ਮੁੜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਰ,